हेलो ट्रेनीज, इस वीडियो में आपको तीन ऐसे रूल्स बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही ज़्यादातर यूज करे जाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में। चलिए देख लेते हैं हमारा फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला है, क्या कभी आप ऐसे भी बोलते हैं कि ऐसे कैसे वह तुम्हें छोड़ सकती है, ऐसे कैसे आप बोल सकते हो, ऐसे कैसे आप बिना वीडियो देखे जा सकते हो, राइट, ऐसे कैसे उसने मुझे देखा। तो इस तरीके से कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हाउ कम बोलना है, प्लस कोई सा भी सेंटेंस लगा देना, कोई से भी टेंस, कोई सा भी रूल लगा देना, ठीक है। पहले हाउ कम एंड फिर सेंटेंस, क्लियर। जैसे ऐसे कैसे उसने मुझे बोला, तो हाउ कम सी स्पोक मी, या लाइक दिस, ओके। या बोलेंगे ऐसे कैसे वह मुझे छोड़ सकती है, तो क्या बोलेंगे, हाउ कम सी कैन लीव मी, लाइक दैट, ओके। ऐसे कैसे आपने मुझे धोखा दिया, तो क्या बोलेंगे, हाउ कम यू चीटेड मी। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, क्लियर। ऐसे कैसे आप सो सकते हो, क्लियर। ऐसे कैसे आप मेरा बर्थडे भूल सकते हो, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्लियर। तो आशा है कि समझ में आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला हमारे पास है कुछ इस तरीके से, जैसे कि कोई भी शौकीन हो, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इंग्लिश का शौकीन हूँ, राइट, एंड मैं खाने का शौकीन हूँ, इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन हूँ, एंड मैं बाइक चलाने का शौकीन हूँ, व्हाट यू, राइट, किसी भी चीज़ का शौकीन, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, कोई सभी सब्जेक्ट चलेगा, एंड इज एम आर लगाना है, क्लियर। इज एम आर कैसे लगेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लग जाएगा, क्लियर। सब्जेक्ट लगाना है, इज एम आर लगाना है, एंड आफ्टर दैट क्या करना है, फॉन्ड ऑफ, एंड देन किसी चीज़ का नाम बोल देना है, क्लियर ना। जैसे कि मैं मोबाइल का शौकीन हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ मोबाइल, ऐसा करें, ठीक है। वह गाने के शौकीन है, तो सी इज़ फॉन्ड ऑफ सॉन्ग, ऐसा करें, क्लियर। वह बाइक की शौकीन है, सी इज़ फॉन्ड ऑफ बाइक, क्लियर नॉट, इस तरीके से। लेकिन ये तो मैंने बोला किसी चीज़ के शौकीन, अगर कोई चीज़ करने का शौकीन हो तो वहाँ पर क्या लगता है, तो फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी लगानी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलने का शौकीन हूँ, तो क्या बोलूँगा, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, क्लियर। आप सीखने के शौकीन हो, तो यू आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, क्लियर। मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, अगर आपको समझ में आ गया तो, क्लियर। जैसे कि वह दारू पीने के शौकीन है, ऐसा तो होता नहीं, फिर कोई बात नहीं चलेगा, तो वह शराब यानी सौरा मतलब वाइन पीने की शौकीन है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, क्लियर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे उब गया हूँ, वह मुझसे उब गई है, वे लोग हमसे उब गए हैं, राइट, अब मैं आपसे उब गया हूँ, क्लियर। इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, इसको बोलने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, इज एम अर वर्ब जो भी लगाना है, क्लियर। उब गई है, क्लियर, तो इज एम अर लगाएंगे, क्लियर, और सब्जेक्ट लगाना है, एंड आफ्टर दैट क्या करना है आपको, सिक ऑफ एंड किसी व्यक्ति का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे उब गया हूँ, तो क्या बोलूँगा, आई एम सिक ऑफ यू, क्लियर। या वह मुझसे उब गई है, सी इज सिक ऑफ मी, राइट, वे लोग हमसे उब गए हैं, दे आर सिक ऑफ मी, क्लियर, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो सिक ऑफ के स्थान पर आप फेड अप विद का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्लियर। जैसे कि सभी लोग मुझसे उब गए हैं, यानी एवरीबॉडी इज सिक ऑफ मी, इस तरीके से, क्लियर। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इस तरीके से आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, क्लियर। जैसे कि राधा कृष्ण से उब गई है, क्लियर ना, इस तरीके से, या राधा कृष्ण की उब गई थी, इस तरीके से आपको बोलना, क्लियर। तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, चलिए देखते हैं। सो गाइज, आई होप दैट आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर मत करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए बस, रोज़ देखा करिए, दैट्स ओके, राइट। एंड आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, राइट, फ्रेंड में शेयर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, क्लियर। थैंक यू सो मच गाइस, इसी तरीके से आपको वीडियो मैं भेजता रहूँगा, आप इसको देखते रहिए और सीखते रहिए इंग्लिश। सो कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, थैंक यू।